प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो गुना की घटना के बहाने कांग्रेस मध्य प्रदेश के सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि समाज में फूट डालना, अशांति पैदा करना, यही कांग्रेस की संस्कृति है। गुना में जो घटना हुई है उसका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अतिक्रमण करने वाले और अतिक्रमण हटाने वाले प्रशासनिक अमले के बीच का एक विवाद है। इस घटना के बहाने कांग्रेस अपने शासनकाल के पापों को छुपा लेना चाहती है और प्रदेश के वातावरण में जातिवाद का जहर घोलना चाहती है। साथ ही शर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बताएगी कि कांग्रेस किस तरह माहौल खराब करना चाहती है और प्रदेश के विकास को रोकना चाहती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुना की घटना के संबंध में कांग्रेस के किए जा रहे दुष्प्रचार पर रोष प्रकट करते हुए कही। बता दें, शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले और प्रशासनिक टीम का विवाद गुना में एक उत्कृष्ट महाविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 4.5 हेक्टेयर जमीन उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी और 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस जमीन पर गब्बू पारदी नामक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और 3 थानों में उस पर कई मामले दर्ज हैं। बुधवार को जब प्रशासनिक अमला इस जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो गब्बू पारदी ने उन लोगों को भड़का दिया जो उसके संरक्षण में उस जमीन पर खेती कर रहे थे। गब्बू पारदी ने ही एक महिला को कीटनाशक पीने के लिए उकसाया और जब महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब गब्बू के इशारे पर ही कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कोई नहीं बख्शा जाएगा। शर्मा ने कहा कि यह सही है कि हालातों को संभालने में प्रशासनिक टीम से चूक हुई और एक महिला और पुरुष के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर, SP और रेंज के IG को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। गुना का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। IG, कलेक्टर, SP को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी का क्या कनेक्शन है और कॉलेज के जो ठेकेदार हैं, इन सब लोगों में जो गब्बू पारदी है एक आदतन अपराधी जिसके ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, इसकी क्या भूमिका है, दिग्विजय सिंह के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस घटनाक्रम की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।